नमस्कार, संसार क्रांति की टीम इस समय जींद में मौजूद है और आज हम राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के हल्का अध्यक्ष हैं लक्ष्मी नारायण बंसल जी। लक्ष्मी नारायण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है संसार क्रांति के कार्यक्रम में। धन्यवाद साहब जी। और साथ में चर्चा में शामिल हमारे साथ, क्या नाम है जी आपका? मनीष अग्रवाल, हल्का सचिव। हल्का सचिव तो आम आदमी पार्टी से हैं, बिल्कुल। तो यदि हम बात करते हैं लक्ष्मी नारायण जी, जींद के चुनाव को लेकर के अभी जींद में उपचुनाव का मुद्दा बना हुआ है, ऐसे में ही अलग अलग पार्टियां अपना अलग अलग उनके अंदर बौखलाहट भी हुई हुई है, ऐसे में क्या लगता है आपको जो 2019 में चुनाव होने वाला है, तो उपचुनाव को लेकर के क्या असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव को, यहाँ के चुनाव को लेकर के? देखिए जी, मेरा अपना, हमारी पार्टी का भी, मेरा भी अपना निजी विचार है भी है, पार्टी का विचारधारा भी है जी, कि ईमानदारी और जो आप वादा करो जी वो पूरा निभाना चाहिए। बिल्कुल। और मैं आपके माध्यम से जनता को यही कहना चाहता हूँ जी कि अगर जी जो आदमी पार्टी का, किसी भी पार्टी का जिसका बढ़िया व्यवहार रहा हो जी और अच्छी उसकी पकड़ रही हो और अच्छे उसने स्टैंड लिए हो समाज के बारे में या राजनीतिक में, बिल्कुल, उसका पिछला अनुभव देखना चाहिए। जब ईमानदारी हो और काम करने की क्षमता हो और जनहित के मुद्दों पर खरा उतरता हो, उसको वोट देने चाहिए। बिल्कुल। आजकल की राजनीतिक व्यापार हो चुका है, जातिवाद हो चुका है, अक्षेत्रवाद हो चुका है, गुंडागर्दी के ऊपर ज्यादा लोग काम करते हैं, पैसे के बलबूते पर ज्यादा चुनाव जीतते हैं। ये इस बुराई से आम आदमी पार्टी पिंड छुड़वा सकती है। हरियाणा की राजनीतिक कई साल से चंद परिवारों के हाथों में रही है। हाँ, परिवारवाद हावी रहा है जी। तो इसको निजात दिलाने से के लिए आम आदमी पार्टी एक उपयुक्त पार्टी है जी, जिसका रिकॉर्ड अच्छा है। बिल्कुल। और दिल्ली के अंदर वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल। जिसका सारे संसार में, देश में, बिल्कुल, माननीय केजरीवाल जी का डंका बजता है ईमानदारी का और उसकी का मौका। बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, आप अच्छे आदमी को जी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अच्छे आदमी को जिसकी का जो बैकग्राउंड है, बिल्कुल, उसको देखो पहले कि वो आपके मुद्दों पर खरा उतरता है, जनजीवन के जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके ऊपर पूरा कंट्रोल करता है। बिल्कुल। और आपके दुख सुख में शामिल होता है, ऐसे आदमी की उसकी पृष्ठभूमि देखकर फिर वोट दे देना चाहिए। बिल्कुल। और ईमानदारी ही सबसे उपयुक्त। और हमारे जो नेता है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने पूरा फोकस शिक्षा पर दिया हुआ है जी। शिक्षा से विकास बढ़ता है, बेरोजगारी खत्म होती है। बिल्कुल। और परिवारों का उद्धार होता है, उससे बेरोजगारी भी खत्म होती है जी। तो सबसे उत्तम शिक्षा का है, वही हमारे नेता ने अभी 29 तारीख को या 22 तारीख को, आज भी आए हैं तो हरियाणा में ये देखने आए हैं कि हमारे 70 साल के बावजूद भी, इतने साल के बावजूद भी शिक्षा का और शिक्षा का सतर क्यों नहीं सुधरा। बिल्कुल। गवर्नमेंट के स्कूल बेहाल हुए पड़े हैं, बंद के कगार पर हैं। तो हमारी पार्टी इस और पूरा ध्यान दे रही है। दिल्ली में आप खुद जाकर देख सकते हो। बिल्कुल सर। और आपको पता है, आप पत्रकार हैं जी जी, किसी भी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी ले सकते हो। तो ऐसा काम करना चाहिए। आप राजनीति में आए हैं तो हमारे देश की राजनीति बहुत बिगड़ चुकी है जी। इसको नई दिशा और दशा देने के लिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी उपयुक्त आदमी हैं। बिल्कुल सर। आपसे भी एक प्रश्न है, जैसे युवाओं की यदि हम बात करते हैं, आज उनकी दशा और दिशा कहीं ना कहीं एक नकारात्मक रूप से ही बदलती जा रही है, तो ऐसे में क्या युवा बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसमें कैसे सुधार किया जाएगा आम आदमी की पार्टी की तरफ से? युवा बेरोजगारी का मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा यही है, अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनका, उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। उनकी मेहनत का फल तभी मिलेगा तब सरकार उपयुक्त होगी। सरकार नौकरियां, सरकारी नौकरियां तो निकालती नहीं है, प्राइवेटों में स्कोप नहीं है, तो बच्चे जाएंगे कहाँ पे? तो बच्चे गलत दिशा में ही जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी दिल्ली में यही किया है, शिक्षा को, चिकित्सा को, इनको बढ़ावा दिया है। जब बच्चा पढ़ लिख लेगा ना तो उसको सरकारी नौकरी की चिंता ही नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिक इतना हो जाएगा कि वो अपने आप कमा खा सकेगा,
कुछ भी काम कर सकेगा, लेकिन यहाँ का क्या है, यहाँ पे पॉलिटिक्स है, बच्चों को गलत चीज़ों में मोटिवेट करते हैं, युवाओं को गलत चीज़ों में मोटिवेट करते हैं कि आप इस चीज़ में जाइए, इस चीज़ में जाइए। बच्चों को पढ़ने का कोई यहाँ पे शिक्षा का साधन नहीं है, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था दिख लीजिए, उनका कोई साधन नहीं है। और आज भी हमारे केजरीवाल जी आए हुए हैं, बेरी के स्कूल देखे हैं, आप दिल्ली के स्कूल देखिए जाके, सभी एसी क्लासरूम बना दीजिए हैं, सभी हॉस्पिटल सुधार दिए हैं। तो हमें उस चीज़ पर राजनीति करनी है, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए। बिल्कुल सर, जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने, किसी भी चीज़ की राजनीति ना हो, और सबसे ज़्यादा राजनीति मुद्दों के ऊपर हो, विकास की राजनीति हो। सर, यदि आम आदमी पार्टी आपको इससे कोई बड़ा पद देती है, क्या उसके लिए तैयार हैं? जो पार्टी मुझे देगी, मैंने 36-37 साल तक इनेलो में काम किया है, चाहे उस पार्टी का कोई भी नाम रहा हो जी, मैंने स्टेट लेवल के पदों पर भी आया हूँ मैं। बिल्कुल, लेकिन जो बात गलत होती थी पार्टी में, मैं उसको बखूबी उठा देता था। बिल्कुल, इसलिए पार्टी के लोग मेरे से थोड़ा खपा थे। अच्छा अच्छा, इसलिए मेरे को उन्होंने टिकट वगैरह भी नहीं दिया। बिल्कुल, क्योंकि मैं खुली बात कह देता था, अगर हमारी पार्टी से कोई गलती हुई थी तो मैं उसको बखूबी से कह देता था कि ये ऐसा करना उचित नहीं है। बिल्कुल सर, आपके हलके में क्या संदेश देना चाहेंगे आप मतदाताओं को, जो चुनाव होने वाले, इसको मतदाताओं को ये संदेश देना चाहते हैं, आप जात पात के ऊपर ना वोट दें जी, और परिवारवाद के ऊपर ना वोट दें, पैसे के बलबूते पर ना वोट दें। आप दें आदमी की पृष्ठभूमि देख कर के, उसका खाका क्या है पिछला, बिल्कुल उसकी जिम्मेवारी क्या निभाई, उसने समाज में और राज के मामलों में क्या स्टैंड दिया है, जनहित के मुद्दों पर, उसी को वोट देना पसंद करें। मेरी यही बिल्कुल निवेदन है लोगों से, बाकी तो लोगों ने अपनी आत्मा से वोट देना है, कोई बकावे में तो वोट देता नहीं। आजकल तो बच्चे बच्चे के ऊपर राजनीति का आई है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ चर्चा में शामिल आम आदमी पार्टी के हलका अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जी, जिनसे हैं। तो इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के साथ संग साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए संचार क्रांति के लिए जिनसे मैं जय भारद्वाज।